मोदी जी जंगी जुनून में मुब्तला हैं और उनके सरकारी महकमे के अफसरान माल बनाने में, वो भी दोनों हाथों से। कर्नाटका में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहलकारों ने जब पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर के घर पर छापा मारा तो मौसूफ के घर से 54 लाख रुपए बरामद हुए। उनमें बड़ी तादाद में सोना भी शामिल है। अब जाहिर है ये ऊपर ही की कमाई थी जो छुप छुपा कर रखी गई थी, लेकिन आ गई गिरफ्त में। दिलचस्प बात तो ये है कि जूनियर इंजीनियर ने 13 लाख तो ड्रेनेज पाइप में छुपा कर रखे थे जो अहलकारों ने एक एक करके निकाले। एंटी करप्शन ब्यूरो का दावा है कि ये रकम रिश्वत के तौर पर वसूल की गई थी और जो अब गिरफ्त में आ गई है, जो घर के मुख्तलिफ कोने खदरों में छुपा दी गई थी। लेकिन मुखबरी पर सरकारी महकमे में काम करने वाले जूनियर इंजीनियर की ये कारस्तानी अब मंजर-ए-आम पर आ गई है, जबकि रिश्वत का बाजार गर्म करने वाले इस इंजीनियर के हथकड़ियां लगाकर सुलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो कई सरकारी अफसरों के खिलाफ करप्शन के केसेस की तहकीकात कर रही है और अब तक कई अफसर के घरों से करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात और कैश भी बरामद कर चुकी है।